जिंदगी में हम कुछ करते हैं जिससे हमारा नुकसान हो सकता है या जिंदगी में जिंदगी तबाह हो सकती है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो हमने नहीं करना चाहिए जिसका बुरा असर जिंदगी के ऊपर होता है, सफलता के ऊपर होता है, तो वो हम आज की वीडियो देखेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं आज चार चीजें आपको बताने वाला हूँ। नंबर एक, कि हम सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है कि यू कैन नॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ लोग दुखी होंगे। हम क्या है कि सब लोग उनको खुश करने में हम खुद दुखी हो जाते हैं, और सभी लोग तो कुछ होंगे नहीं। कुछ लोग दुखी होते हैं और वो दुखी हो गए तो हमको कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो सभी लोगों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। आप कितना भी अच्छा काम करोगे, कुछ भी करोगे, तभी लोग टीका करने वाले हैं, लोग कुछ ना कुछ भला बुरा बोलने वाले हैं। आपने शादी की पत्रिका भी तैयार किया, तभी कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छी पत्रिका हुई, कुछ लोग बोलेंगे इसमें कुछ ना कुछ खोट निकालेंगे, बराबर नहीं हुई। कुछ भी आप काम करो, महात्मा गांधी ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, उनको महात्मा की उपाधि दी गई, राष्ट्रपिता बोला गया, मगर एक व्यक्ति ने उनकी गोली झाड़कर मतलब उनको मार दिया गया, है ना। एक व्यक्ति ने गोली झाड़ के उनको मार दिया, उनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने जो किया। वो तो सभी लोगों को हम खुश नहीं कर सकते। तो ये चक्कर में पड़ने का नहीं है कि सभी लोगों को खुश करना है। आपको जो अच्छा लगा वो करो, लोग खुश होंगे, लोगों को मैंने खुश करना चाहिए ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसको ही लग के दूसरा तो पॉइंट है, दो नंबर का मुद्दा है, कोई लोग क्या कहेंगे वहाँ से हम जिएंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग कुछ भी कहेंगे, हम उसको बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, LKK सिंड्रोम, या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मतलब वहाँ समझो मैं जीता हूँ कि लोग क्या कहें। मैं ऐसा कपड़े पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं शादी में डांस करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं अंत्ययात्रा में नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं शादी में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं शादी इस प्रकार की करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं शादी नहीं करूंगा तो मतलब लोग क्या कहेंगे। भाई लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी करेंगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तो अपना कंट्रोल हम लोगों के हाथ में देंगे, अपना रिमोट लोगों के हाथ में देंगे और वहाँ से हम जिएंगे तो हमको जीना मुश्किल होगा, हमारी ज़िंदगी हम तबाह कर देंगे। नंबर तीन का मुद्दा जो है वो है कि भूतकाल की घटनाओं पर रोना छोड़ दो। भूतकाल में काफ़ी सारी घटना ऐसी हुई रहती है, हुई होंगी आपके जीवन में, कि आपको उसके बारे में बहुत दुख होता होगा या पश्चाताप होता होगा। मैंने ये करना चाहिए था, काश मैं IAS एग्ज़ाम देता, काश मैं बड़े सिटी में पढ़ने के लिए जाता, काश मैं फलाने फलाने डिग्री लेता, काश मैं डॉक्टर बनता। काफ़ी सारी बातें ऐसी होंगी कि काश मैं ऐसा करता, और उससे आप आज दुखी हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आज खराब कर। काश मेरे माँ बाप पढ़े लिखे होते, काश मैं बड़े घर में अमीर घर में पैदा होता। क्या लगा है, जो हुआ है वो हुआ है, जो अतीत में हुआ है उसका आज कोई संबंध नहीं है। मगर लोग उसके ऊपर नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा किया, मेरे माँ ने मुझे ऐसा किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, चालू रहती उनकी कैसेट, बोलते रहते वो कुछ ना कुछ, और आज कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं और सब लोगों को दोष देते रहते हैं, परिस्थिति को दोष देते रहते हैं, वातावरण को दोष देते रहते हैं। भूतकाल में जो भी हो गया वो हो गया, उसका आज कोई संबंध है नहीं। भूतकाल से अपने को सिर्फ सीखने का है। भूतकाल से अपन कुछ सीखते हैं ताकि हम वो गलती डबल दोबारा ना करें, उसके लिए भूतकाल सीखना आवश्यक है। बाकी उसमें जाने का नहीं है, जो हो गया वो हो गया। अभी वर्तमान काल में वही करना है कि हमको भविष्य काल का प्लानिंग करके वहाँ से वर्तमान में जीने का है। भविष्य काल का प्लानिंग करेंगे और उसके मुताबिक एक्शन आज लेंगे तो डेफिनेटली जो मुझे चाहत है, जो मुझे चाहिए वो डेफिनेटली पक्का मिल जाएंगे। नंबर चार का मुद्दा है कि भावनाओं में बह के जाने का नहीं, इमोशंस में बह के जाने का नहीं है। लोग इमोशन में बह जाते हो, दुख समझो हो गया है, कोई मर गया व्यक्ति तो दुख कितना करना है, कितने दिन करना है, ये भी आपने तय करना चाहिए। फेल हो गए तो कितने दिन शोक मनाने का है कि भाई नहीं नहीं फेल हो गए भी कितने दिन अब ये मतलब रो रहे आप इसके ऊपर, या धंधा बैठ गया, धंधा चौपट हो गया, नुकसान हो गया, बैंक करप्ट हो गया, कितने दिन आप चुप बैठोगे, कितने दिन आपने रोने का है। आप पहले ठहरा लो कि भाई कुछ भी हो गया, कितना भी दुख हो गया, कितना भी हादसा हो गया, तो मैं 24 घंटे के ऊपर उसके ऊपर बैठूंगा नहीं। या कितना भी अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात है, तभी 24 घंटे के ऊपर उत्सव मनाऊंगा नहीं। लोग तो अच्छी बात होगी तो हफ्ता हफ्ता भर 15-15 दिन उत्सव मनाते रहते, काम धंधा बंद कर डालते।
कुछ बुरी बात हो गई उसके ऊपर शोक मनाते बैठते हैं और काम धंधा बंद कर डालते हैं। इमोशंस में ड्रेन हो जाते हैं लोग, और इमोशन से ड्रेन कभी भी होने का नहीं है। इमोशन बाजू में रखना है, काम काम के समय होना चाहिए, काम के समय काम करो, इमोशन को बाजू में रखो तभी काम होगा। मेरी खुद की घटना बताता हूँ कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई शनिवार को रात को, 1992 की बात है, शनिवार को मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। अरे इतवार को सुबह हमने उनकी अंत यात्रा किया, सब उनकी विधि वगैरह पूरे करके हम 11:30 बजे घर में आए होंगे। हम ऊपर रहते हॉस्पिटल के ऊपर, तो नीचे बहुत पेशेंट लोगों की वगैरह आवाज़ सुनाई आई, तो उनको बताया गया हमारे कंपाउंडर ने, रिसेप्शनिस्ट ने, कि भाई अभी डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, उनके पिताजी गुजर गए। तो लोग बोले कि हम तो इतने दूर से आ गए, हमको तपास लो, हमको तकलीफ है, ऐसा है वैसा। फिर उन्होंने मुझे संदेशा दिया कि लोग काफ़ी जमा हुए हैं और लोग बोलते कि हमको तपासो। मैंने ठीक है, अभी जो हो गया वो हो गया, अभी कितना दुख मैं करूँगा, जाना नहीं चाहिए था, वो गए, अटैक आ गया। मगर मैं उसमें नहीं गया कि अभी मैं घर में शोक करके बैठूं, रोते बैठूं, मैं सीधा नीचे आ गया। एक दो पेशेंट देखे तो और पेशेंट आ गए, शाम तक मैं पेशेंट ही पेशेंट देखते रहा। लोग जो मिलने आए थे बोले कि डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल में कैसे कि आपके घर में मृत्यु हो गई, आप पेशेंट देख रहे। मैंने भाई पिताजी ने हमको ये बोला था कि मैं कभी मृत्यु हो गई मेरी तो मेरे श्रद्धांजलि वही होंगी कि आप काम करेंगे ना घर में बैठेंगे तेरा दिन। तो मैं उसमें गया नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, मैं ये देखा कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की सेवा मैं कर सकता हूँ, भावनाओं में आके काम बंद करने का नहीं है, और मैंने लोगों की सेवा की। तो ये चार हम पॉइंट देखेंगे हमारे जीवन में, चार चीज़ें, तो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी तबाह होंगी नहीं, जीवन अच्छा जियोगे आप और जीवन जीने में बहुत मज़ा आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।